हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जो आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ वो है आज मिड रेंज स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, जो मिड रेंज स्मार्टफोन है वो आज की डेट में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जो उसने बजट रेंज स्मार्टफोन को हरा दिया है बुरी तरह से। मतलब कि ऐसा मान सकते हो आपकी हर एक कंपनी आज की डेट में आपको बजट रेंज स्मार्टफोन देने की बजाय मिड रेंज स्मार्टफोन देना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि दोस्तों जो मिड रेंज स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में इतने पावरफुल बन चुके हैं। जैसे कि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, उसके साथ सेंसर भी इतने अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं, ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं, और दोस्तों जो कैमराज है वो भी काफ़ी अच्छे से मतलब कि ऐड किए जाते हैं, अच्छे अच्छे कैमराज उस रेंज में दिए जाते हैं। हर एक चीज़ जो आपको नेसेसरी हो लगभग हर एक चीज़ वहाँ पर दी जाती है दोस्तों, जिस कारण कि बजट रेंज के स्मार्टफोन्स आज की डेट में उतने प्रभावशाली नहीं बन पाए हैं। दोस्तों, अगर आप बात करते हो कि आज से एक साल पहले जैसे 2018 में, तो दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं जो बजट रेंज स्मार्टफोन है वो अपनी पॉपुलरिटी खोते रहे, जिस कारण कि जो कंपनीज है वो आपकी मिड रेंज स्मार्टफोन की ओर बढ़ गई। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रेफर आज की डेट में अगर कोई स्मार्टफोन करते हैं, जैसे कि कोई बढ़िया स्मार्टफोन कम प्राइस में, तो आपको मिड रेंज स्मार्टफोन्स ज़्यादा प्रेफर किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप फिर भी कोई स्मार्टफोन ऐसा लेना चाहते हो जिसमें कि आपको बजट रेंज स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन मिले, या फिर बजट रेंज स्मार्टफोन अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हो, तो वीडियो आई बटन में दिखाई जाएगी आपको, तो आप वहाँ जाके मतलब कि वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, हर एक जो स्मार्टफोन्स है वो आज की डेट में भले ही मतलब कि जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो काफ़ी आगे बढ़ गए हो, फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन काफ़ी आगे बढ़ गए हो, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में जैसे ही उनमें 5G आ जाएगा फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर में, तो आपको इसमें 5G देखने को मिलेगा। उसके बजाय दोस्तों, अगर आप जो फ्लैगशिप किलर है वहाँ पर भी आप जा सकते हो, इजीली जा सकते हो, उस पर अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आप बात करें तो जैसे प्रोसेसर की बात है, 660 के बाद का जो प्रोसेसर आज की डेट में अब होगा तो आप वही खरीदना, क्योंकि दोस्तों जैसे कि 710, 730 आने वाला है, उसके बाद 665 है। तो दोस्तों हर एक प्रोसेसर अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप 5G के लिए वेट कर रहे हो आज की डेट में, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 5G बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे कि अभी नॉर्थ कोरिया में 5G आ गया है, सॉरी साउथ कोरिया में 5G आ गया है। तो दोस्तों धीरे धीरे मतलब कि इंडिया में भी 5G आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों अगर आप बात कर रहे हो जैसे 2017 में, अगर आप उसमें कोई स्मार्टफोन देख रहे हो, अगर उनकी जो प्रोसेसर थे, अगर आप जो बजट रेंज स्मार्टफोन के प्रोसेसर है लगभग उसके इक्विवेलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़े से ही पावरफुल होते थे जो मिड रेंज के स्मार्टफोन के प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों आज की रेंज में, आज की डेट में जो स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है जैसे कि 710, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको फ्लैगशिप वाली फीलिंग कहीं ना कहीं दे सकता है। अगर दोस्तों आपको उस टाइप के प्रोसेसर अच्छे से मतलब कि काम आते हैं, अगर आप जैसे कि जो रियलमी है वो आपको फोर्टनाइट का सपोर्ट भी देती है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर बन चुके हैं आज की डेट में बजट रेंज मिड रेंज के। तो दोस्तों अब अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आपको ज़रूरी मतलब कि बजट रेंज की बजाय मिड रेंज की ओर जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिर इतनी, आप देखते हैं मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी ही हर दिन वीडियो लाता रहूँगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।